सो गाइस वेलकम बैक टू फूड एंड ट्रैवल। आज का रेसिपी है बहुत डिलीशियस, बहुत ही अभी मालपुआ नॉर्थ साइड में खाते हैं, तो ये मैंने बनाया है। और ये देखिए बेहतरीन, आप वीडियो आके देखो, आपको रेसिपी का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तब तक मैं ये जो है एंजॉय करता हूँ। देखिए कितना सा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ट्राई करो आप लोग, वीडियो आगे देखिए, आपको रेसिपी मिल जाएगा। ओके सो वेलकम बैक टू फूड एंड ट्रैवल गाइस। सो गाइस आज हम बहुत आसान रेसिपी बना रहे हैं एंड डिलीशियस भी है, मालपुआ नॉर्थ इंडियन डेलिकेसी है। सो बेसिकली अगर आप यूपी बिहार में, क्योंकि नॉर्थ साइड से हूँ, सो मालपुआ मोस्टली होली के दिन बनता है। सो घर पे मटन बनेगा, मालपुआ बनेगा और फिर लोग खाते हैं। सो अगर मालपुआ ऐसे बोला जाए किसी नॉर्थ इंडियन को, तो होली के टाइम मालपुआ आता है, ठीक है। बट एनीवेज जो ट्रेडिशनल मालपुआ है उसको ओवरनाइट सोक करते हैं, उसके बाद से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं बना रहा हूँ रेसिपी यहाँ पे, इट्स मालपुआ लेकिन थोड़ा ईजी है, ठीक है। सो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। ये आटा है, ठीक है, काफ़ी है इतना। ये देखिए थोड़ा सा मैदा है, ठीक है, मैदा बहुत थोड़ा सा। और ये सूजी, ठीक है, एक चौथाई है। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम मालपुआ बनाएंगे तो जो उसके साइड्स रहते हैं वो क्रंची होने चाहिए। ओके, ये अपना इलायची पाउडर, ये हमने डाल दिया। और ये सौंफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बिना तो वो टेस्ट जो होता है वो नहीं आएगा। तो आप इंश्योर करो कि सौंफ रहे आपके पास, एक बार पर इलायची नहीं रहेगा चलेगा। यहाँ पे मैं चाशनी रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने 250 ग्राम्स शक्कर डाला हुआ है, 250 ग्राम्स इसमें शक्कर है। देन कितना, 400 ml आपका पानी था, ठीक है। और इसमें मैंने केसर डाला हुआ है। सो आप इसका कलर देखो, ऑरेंज हो गया हल्का हल्का, ठीक है। अब हम जो है इसमें पहले दूध डालेंगे, ये दूध गया। और फिर अमूल फ्रेश क्रीम, तो आपके पास है तो डालो, नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, ठीक है। एक जो सॉफ्टनेस आती है, क्रीमीनेस आती है, उसके लिए हम डाल रहे हैं। तो लोग ये भी करते हैं कि खोआ डाल के बनाते हैं, तो अगर खोआ है तो आप खोआ डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नॉर्मल आप दूध में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हम इसको जो है व्हिप करते हैं, और एक बार ये हो जाता है फिर मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ओके सो गाइस देखिए मैंने अच्छे से इसको व्हिप किया है, मिल्क क्रीम और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के। कंसिस्टेंसी देखिए इसकी कितनी अच्छी हो गई है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रेस्ट करेंगे, सो दैट मिक्सचर अच्छे से सेटल हो जाए। ओके, उसके बाद हम इसको कढ़ाई में डाल के मालपुआ बनाएंगे। मीनवाइल देखिए यहाँ पे मैंने वो जो 15-20 मिनट है उसमें मैं यूटिलाइज करके शीरा बना रहा हूँ, शुगर सिरप। ओके, और तलने के बाद हम इस शुगर सिरप में डाल के निकालेंगे। ओके सो मिलते हैं 15 मिनट बाद गाइस, सो दैट ये सेटल हो जाए। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, सो 15 मिनट हो गए फ्रिज में रखे हुए, ये हमारा शुगर सिरप जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने मिल्क मेड का क्रीम रखा हुआ है प्लेटिंग के लिए, एंड यहाँ पे जो ऑयल है हमारा मीडियम गरम हो गया। सो स्पैचुला है तो आप स्पैचुला से निकाल सकते हो, मैं डायरेक्टली पोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप, बहुत आसान टेक्निक है, आपको सिंपली तो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऐसे रखो कि आप जैसे ही डालो खुद ही फैल जाए, ठीक है। सो दो मिनट एक सेट करना है, दो मिनट एक सेट करना है, और उसके बाद से ये निकाल के हम इसमें डालेंगे और फिर मैं प्लेटिंग करता हूँ, ठीक है। सो बस देखिए ये हमारा मालपुआ रेडी हो गया। अब हम इसको शुगर सिरप में डिप करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये देख रहे हो आप, क्रंची और गोल्डन, बहुत प्यारा, ठीक है। अब जब तक मैं दूसरा वाला डालता हूँ, छोटे छोटे बनाइए, ठीक है।
दूसरा वाला हो रहा है हमारा, 4 मिनट हो गए हैं गाइस। सब जो है हम इसका वेटिंग करते हैं। ये देखिए क्रंची कितना चाहिए, रबड़ी है तो रबड़ी यूज़ करो, रबड़ी नहीं है आपके पास तो मिल्क मेड का क्रीम आता है, आप मिल्क मेड का क्रीम इसमें डालो और एंजॉय करो। ये स्वीट बहुत इजी है, ट्रेडिशनली इसको रात भर सूख करके रखते हैं उसके बाद बनाते हैं। मेरी रेसिपीज क्विक होती हैं, थोड़ा अलग सा एक टच रहता है, सो इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस रेसिपी है, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द, तब तक ये एंजॉय करिए।